टाइम बच गया, दो ऑब्जेक्टिव भी है, इसको देख लेते हैं। दो ही ऑब्जेक्टिव है, जल्दी बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। लेट एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया है एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई। सपोज एफ फाइव इक्वल टू दिया है टू और एफ डैश जीरो थ्री दिया है, तो हमें एफ डैश फाइव का वैल्यू निकालना है। अच्छा, एक्चुअल में जब एफ डैश जीरो दिया है, एफ फाइव दिया ना, तो हमें एफ जीरो का भी कम से कम इसमें वैल्यू पता होना चाहिए। अब क्यों पता होना चाहिए, अभी आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग इस फंक्शन में जीरो और जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है, ताकि एफ जीरो का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ जीरो इंटू में एफ जीरो, यानी एक्स के जगह पे जीरो रख दिया और वाई के जगह पे जीरो रख दिया, यानी कि एफ जीरो जो आ गया, एफ जीरो का स्क्वायर हो गया, है ना, ये आके एफ जीरो का स्क्वायर हो गया, समझ रहे ना, दो बार है। तो इसको इधर करते हैं, तो एफ जीरो का स्क्वायर माइनस एफ जीरो, ठीक है, एफ जीरो का स्क्वायर, एफ जीरो का स्क्वायर माइनस एफ जीरो बराबर जीरो, समझ रहे ना। एफ जीरो इसमें से कॉमन कर लो, तो यहाँ अंदर बच जाएगा आपका एफ जीरो माइनस वन बराबर जीरो, यानी कि एफ जीरो एक जीरो हो जाएगा और एफ जीरो एफ जीरो माइनस वन बराबर जीरो, यानी कि एफ जीरो का वैल्यू वन भी हो जाएगा, यानी कि एफ जीरो का वैल्यू जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स प्लस वाई बराबर में दिया हुआ है एफ एक्स इंटू में एफ वाई, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे भैया तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई। अच्छा, यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे u इंटू वी पे ना, तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसको वैसे ही रखोगे, प्लस एफ एक्स को अगर वैसे रखते हो तो दूसरे एफ वाई का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश वाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, x के जगह 5 रख देते हैं और y के जगह 0 रख देते हैं, f डैश 5 प्लस 0, f डैश 5 इंटू में f 0 और प्लस f 5 और f डैश 0, ठीक है। अगर हम f 0 बराबर f 0 जो था, f 0 का वैल्यू अगर हम 0 लेके चलें, तो यहाँ से आपका f डैश 5 बराबर हो जाएगा f डैश 5 इंटू एफ जीरो, यानी कि जीरो जो वैल्यू निकाले हैं, और प्लस यहाँ पे f 5 का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, देखो f 5 का वैल्यू है यहाँ पे 2 और f डैश 0 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे रख सकता है 2 और इसको 3, तो भैया यह तो जीरो हो गया, यह तो जीरो हो गया, यही बच गया, यानी कि एफ डैश फाइव जो आ गया आपका 6 आ गया। तो आंसर तो आपका आ गया, लेकिन कह रहा होगा कि सर अगर मैं एफ जीरो का वैल्यू 1 लेके चलूँ तो क्या होगा, अगर मैं एफ जीरो का वैल्यू 1 लेके चलूँ तो क्या होगा, तो ये देखो क्या होगा, यहाँ पे रखोगे तो एफ डैश फाइव, फाइव ही ना होगा, बराबर में f डैश 5 इंटू में 1 और प्लस में 2 गुना 3, यही ना आएगा, तो यहाँ f डैश 5 प्लस 6 बराबर f डैश 5, ये पॉसिबल ही नहीं है, यह पॉसिबल ही नहीं है, है जी पॉसिबल, f डैश 5 अपने ही में 6 जोड़ेगा तो उसके बराबर होगा, ये तो पॉसिबल है नहीं ना, f डैश 5 कैसे बराबर होगा f डैश 5 प्लस 6 के, तो बराबर नहीं होगा, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर